तो शिवटेन जी, आप चाहते हैं अपने चार्ट के अंदर में, कलर के अंदर में, आप उसको क्या बोलते हैं, उसको लाइनिंग देना, राइट? बिल्कुल जैसे आपने बोला, तो चलिए हम देखते हैं कि एक्सेल में क्या फीचर्स हैं आपके अकॉर्डिंग चार्ट में अगर हम लाइनिंग देते हैं तो। सबसे पहले तो मैं एक चार्ट, यहाँ पे एक चार्ट लेता हूं, और ये हम बात कर रहे हैं कॉलम चार्ट। तो सिप्टन जी की प्रॉब्लम है यहाँ पे, ये आप ऐसी लाइनिंग की बात कर रहे हैं, इस तरह की लाइनिंग की। हाँ बिल्कुल। अब देखिए ना कि वो सॉलिड कलर आ गया, अब सॉलिड चला गया। हाँ ये, ये जो यहाँ पे लाइनिंग है ना, डॉट हाँ डॉट, हाँ बिल्कुल 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 यही, बिल्कुल ये। इसको बोलते हैं टेक्सचर। राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट डेटा सीरीज में जाइए, और यहाँ हम फिल पे आते हैं। फिल फिल में एक तो आपका यहाँ पैटर्न फिल दिख रहा होगा, पिक्चर्स एंड टेक्सचर है, इस तरह के टेक्सचर्स ले सकते हैं। नहीं, आप लाइनिंग की बात कर रहे हैं तो पैटर्न फिल उसको बोलते हैं। ये देखिए, ओके ओके ठीक राइट सर। है सर। और ये अलग अलग कलर के भी होते हैं, यहां से आप कलर डिसाइड कर सकते हैं कि ये लाइनिंग किस कलर का होगा। और क्या हम इंडिविजुअल कॉलम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर से या डिफरेंट डिफरेंट जी पैटर्न हाँ से? जी हाँ, उसके लिए आपको बस दो बार क्लिक करना है, लेकिन धीरे धीरे। डबल क्लिक होता है ऐसे, आप डबल क्लिक कर दिया हो, डबल क्लिक नहीं, हम यहाँ एक बार क्लिक करेंगे तो पूरा क्लिक हो गया, फिर एक बार नॉर्मल क्लिक कीजिए, ये आपका सिंगल सिलेक्ट हो गया। अब जो हम फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे वो एक सिंगल, ठीक है ठीक ठीक है? ठीक है। नहीं और कुछ? नहीं बस बढ़िया, थैंक यू सो मच।